डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सोहगी वर्मा वन्य जीव प्रभाग के बड़ी गंडक नदी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घड़ियालों की कुनबा बढ़ाने के लिए गुरुवार को वन्य प्राणी सप्ताह पर उत्तर प्रदेश के वन्य क्षेत्र पूर्वी गोंडा के मुख्य वन संरक्षक व TSA की ज्वाइंट टीम एवं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ज्वाइंट टीम द्वारा नारायणी नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़ने के अवसर पर मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को इसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य वन संरक्षक राम कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरहिया की छात्रा सिंगला व करीना पासवान द्वारा सरस्वती वंदना स्वागत गीत गाकर अतिथियों का अभिवादन किया गया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि जिस प्रकार जंगल में शेर की उपस्थिति स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का परिचायक है, उसी तरह जली पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा प्रमाण घड़ियाल होता है। घड़ियाल के लिए स्वच्छ जलधारा युक्त जल अनुकूल होता है। वर्तमान समय में इनकी प्रजातियों में हो रही भारी गिरावट के कारण इनके अस्तित्व पर संकट सा छाने लगा है। इसका कारण कहीं न कहीं प्रदूषित हो रही हमारी जली पारिस्थितिकी तंत्र का अहम योगदान रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि 7 अक्टूबर तक के वन्य प्राणी सप्ताह के तहत बड़ी गंडक में इन घड़ियालों को मुक्त कर जली पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग करना है। कार्यक्रम को SDO वन निचलौल घनश्याम राय ने भी संबोधित किया। संचालन वन क्षेत्राधिकारी निचलौल अशोक चंद्रा ने किया। इसके बाद टर्टर सर्वाइवल एलियंस की टीम के डॉक्टर आशीष सिंह, डॉक्टर अपूर्वा व लखनऊ कुकरेल सेंटर के वनदरोगा आदित्य सिंह तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सारस प्रोजेक्ट के श्री अरशद हुसैन एवं असिस्टेंट रविंद्र कुमार त्रिपाठी की देखरेख में मुख्य वन संरक्षक राम कुमार द्वारा सभी घड़ियालों को नारायणी नदी में अवमुक्त किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मीपुर DC शुक्ल, वन क्षेत्राधिकारी मधवलिया जगन्नाथ प्रसाद, पकड़ी OP मिश्रा, वन दरोगा अभिषेक सिंह, कासिम अली, DN पाठक, राम मोहन प्रसाद, रामफेर, भोरिक यादव, मार्कंडे पांडे, विनोद पांडे, बैजनाथ प्रसाद, आशीष सिंह, गोपाल उपाध्याय सहित मसीह सेवा आश्रम के छात्र छात्राएँ एवं अन्य गणमान्य लोग तथा नागरिक उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।